हेलो गाइस, तो आज ये ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज बड़ी अपने फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है, क्योंकि वो कार में जा रहा है तो काफ़ी डरा हुआ है। उसका ये मोस्ट प्रोबेबली नया नया एक्सपीरियंस है। तो और वो जा रहा है, मेरी सिस्टर की भी एक प्यारी सी बेबी है और उसका नाम मिनी है। मिनी भी जा रही है अपने वेट के पास एक रूटीन चेकअप के लिए। मिनी मिनी मम्मा, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत फ्रेंडली है। वैसे डॉग सारी बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपके केयर और आपके लव के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सीधे आपको वेट के वहाँ फिर आपसे मिलूंगी, क्योंकि अभी वो काफ़ी डरा हुआ है, उसे पता नहीं है ना कि वो कहाँ जा रहा है। तो आपसे फिर वही मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज एक फ्रेश डे है। कल और लेकर गई थी बॉडी को वैक्सीन के लिए, फिर वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत हम लोग उसको लेके थोड़ा परेशान ही थे। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलिए फिर डायरेक्टली आज ही आप सब से मिलूंगी। ये वीडियो पब्लिश होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से रहे। फिलहाल तो मैं अपने छत पे आ चुकी हूँ बिकॉज साइक्लोन जाने की वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है ह्यूमिडिटी। और जैसे हम जानते हैं कि साइक्लोन आता है तो बिल्कुल सारी हवाएं खींच लेता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वैसे ही जब साइक्लोन चला जाता है तो ह्यूमिडिटी जो है फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि वो सारा हवा जो है वो अपने साथ लेकर चला जाता है। तो इसकी वजह से ना घर पे क्या हो रहा है, टाइल्स में भी एक हल्का सा एक चिपचिपा सा एक मतलब फील जैसा आ रहा है। तो मैंने सवेरे सवेरे बॉडी को हमने खाना वाना खिला दिया, वो उठ जाता है सुबह, उसको 5:30 भी भूख लग जाती है तो पॉटी वगैरह करके उसको खाना खिला दिया, थोड़ा बहुत खेला हम लोगों के साथ और फिर सो गया। वो भी सो गया, उसके पापा भी सो गए। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने 3 प्लांट्स लगाए हैं। हालांकि हो गया 1 हफ्ते के ऊपर हो चुका है 3 प्लांट्स को, और 1 टाइम फ्लावर दिया था, वो हिबिस्कस का लगाया था, 1 टाइम फ्लावर दिया था, उसके बाद अभी तो फ्लावर आया नहीं है। ये 3 मैं दिखाती हूँ प्लांट्स हैं जो मतलब हमें लगाया है। उसमें से ये जो है इसमें डबल हिबिस्कस आता है, तो एक हिबिस्कस आता है उससे फिर एक और आता है उसके अंदर से। ये जो है ये बेल हिबिस्कस है, और ये जो है वो वाइट वाइट फ्लावर्स होता है, क्या बोलते हैं उसे, बहुत स्मेल होता है, लोग गजरा वगैरह में लगाते हैं, तो वही वाला फ्लावर है। अभी छोटा है, छोटे है प्लांट्स, तो अभी इसमें ऐसा कुछ आया नहीं है। वैसे हमारे मतलब टेरेस पे और भी प्लांट्स हैं, यू नो सुबह सुबह ग्रीनरी देखना अपने आप में एक बहुत अच्छा एहसास होता है। देखो ये जो फ्लावर्स आए हैं ना, एग्जैक्टली यही है वो पेड़ एग्जैक्टली यही है, ऐसे आने वाले हैं। देखो यहाँ एलोवेरा भी है, ये हमारे बगल में एक आंटी रहती है, उन्होंने ये प्लांटेशन इन्होंने किया है यहाँ पर छोटा सा टेरेस पर, जिसकी लुक आफ्टर हम सब मिल के करते हैं। तो चलो मैं आपको अपने टेरेस का एक व्यू दे देती हूँ। देखो काफ़ी बड़ा टेरेस है, यहाँ पे सुबह सुबह मैं वॉक कर लेती हूँ, पर जब से बड़ी आया तो हम थोड़ा सा बड़ी के शेड्यूल में बिजी हो गए, तो लाइक वॉक करना थोड़ा भी डिफिकल्ट है। बड़ी की बात लग रही थी कि इंजेक्शन के बाद तो बहुत उसको तकलीफ हुआ, तो मतलब थैंक गॉड टच वुड वो आज काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्लेफुल मूड में है। और उसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन फिर 28th of June में है, अभी फ़िलहाल उसकी डीवॉर्मिंग चल रही है, एंड डॉक्टर ने कहा है कि ही इज़ ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा है अभी साइज़ में, पर अभी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसको है नहीं, मेडिसिन वगैरह जैसा है वैसे चलते रहे। और उसको अभी 3 दिन में एक बार उसको स्पॉन्ज बाथ देना है, पर तो ये वेदर जो है इसमें उसको कितना हम कर पाएंगे हमको नहीं पता, बट आई थिंक आई विल गिव हिम अ स्पॉन्ज बाथ
और संडे मैं सोच रही हूँ कि उसको स्पॉन्ज बाथ दूंगी, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये वैक्सीन के बाद थोड़ा सा गैप भी हो जाएगा, और वैसे हम उसको कॉम्बिंग एवरीडे करते हैं, दोनों टाइम उसको अच्छे से कॉम्बिंग करते हैं। उसका जो ये सब एरिया नहीं है यहाँ पे ना, टीयर डक से यहाँ पे आंसू वगैरह, उससे ना यहाँ के बाल जो है वो कड़े कड़े हो जाते हैं, तो वो सब हम उसका रेगुलरली क्लीन कर देते हैं। बहुत गर्मी है तो चलो नीचे जाके बात करते हैं। सब सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए देखो मैंने ये यहाँ पे मैदा लिया है और आटा लिया है, मतलब मैदा मैंने लिया है, आटा जितना लिया है, सपोज अगर आटा मैंने 2 कटोरी लिया है तो मैदा मैंने 1 कटोरी से भी कम लिया है, तो उस हिसाब से मैंने इसे ले लिया। इसे अब मैं मिक्स करूँगी और फिर इसका एक सेमी सॉफ्ट सा एक डो तैयार करूँगी, और फिर आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू के पराठे, तो आप देखते रहो। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है आटा बिल्कुल एकदम इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। इसे मैंने अच्छे से मतलब पूरा इतना सॉफ्ट, थोड़ा मैंने क्या क्या लिया है आप एक बार देख लो। मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है और अदरक लिया है, मैं इतना अदरक यूज़ नहीं करूँगी, हाफ ही करूँगी, और मैंने 2 चिलीज लिए, इनको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। अभी मैंने पराठे के साथ खाने के लिए आलू टमाटर और मिर्ची इसको क्यूब्स में काट लिया है, और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर गुड मॉर्निंग बडी, देखो बडी नींद से उठ गया है, बडी हाई फाई, थैंक यू बडी, हाई फाई गिव 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 हाई फाई बडी, वाई फाई थैंक यू, गुड बॉय गुड बॉय बडी, गुड बॉय बडी, गुड बॉय बडी, बॉयटी बॉयटी बडी, बॉयटी बॉयटी बडी, बॉयटी बॉयटी सोनमा बडी, हाई फाई बडी, गिव मी हाई फाई, नो 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 छोना बाबा हाई फाई, गिव मी हाई फाई, देखो 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 दीना 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 दीना, ये वाला हंसी जी, ये वाला हंसी जी, गुड बॉय बडी, गुड बॉय बडी, इज अ गुड बॉय। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, देखो देखो देखो, इसको हमेशा अपना पैर के बीच में रखना पड़ता है, और ये छोटू मल, छोटू मल दिखाओ ना अपना क्यूटी सा फेस, अपना क्यूटी सा फेस तो दिखाओ, सबको पूछो आज क्या खा रहे हो आप लोग, सब
मैं तो अपना डॉग फूड ही खाऊंगा। बताओ बताओ क्या करी हो सब कोई वीकेंड पे, बताओ बड़ी क्या करेगा वीकेंड पे? बड़ी आज नानी के घर जाएगा, है ना मम्मा? बड़ी आज नानी के घर जाएगा। नानी के घर जाकर क्या करेगा? सुसु करेगा, पोती करेगा, और क्या करेगा बताओ? बताओ बताओ तुम क्या करोगी? बड़ी 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 म्याओ 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 करो। अभी हाई फाई देना है, अभी हाई फाई देना, तभी नहीं देना है, कैमरे पे नहीं देना है, अभी हाई फाई देना है। हाँ हाँ बदमाश बच्चों, चलो बोलो सबको बोलो, मैं जब जाऊंगा नानी के घर तब सबको दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। हाँ 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 सबको दिखाऊंगा, हाँ 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 सबको, नहीं 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 तो चलो बड़ी जब जाएगा नानी के घर तो आप सबसे तब उसकी नानी के साथ मीटिंग दिखवाऊंगी। चलो टाटा कर दो सबको, टाटा कर दो। अरे बाप रे, ऐसे कौन टाटा करता है, ऐसे कौन टाटा करता है उलट पुलट के, ऐसे उलट पुलट के टाटा कौन करता है ऐसे।